डियर स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करवा फिजिक्स गोटे क्लास जहाँ ना रही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो टॉपिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चैप्टर आम कवर करवा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए इक्वल एंड लाइक चार्जेस एंड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये क्लास टी आपर टीचिंग एग्जाम हेल्पफुल रहा। तो निश्चित भाव में आम गोटे गोटे कर डिस्कसन करवा। तो पूर्व मुझे रखे तो ये क्लास टोटाली आम डिटेल्स समराइज आम बुझे चेष्टा करवा। प्रथम मुझे किसी समराइज टा टोटाल क्लास हिंट्सटा मुझे बुझेदेवी, तापर आप देखिपे ये पीडीएफ अच्छी मुझे पीडीएफ टी एक्सप्लेनेशन करदेवि, ठीक अच्छे। तो डेरी नक स्टार्ट करवा आज समराइज बा क्लास कौन कौन पढ़ा केमती कौन या विषय रही पाठ कौन रही विषय में जानदा है। तो यही चैप्टर आम पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रथम आमको जान रखा दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड आम कहले क्या बुझा बा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह जाए बुझेगा। तो ये हूँ आप गोटे चार्ज मन कर चार्ज टा हूँ प्लस क्यू। तो ये चार्ज टी सिंबल जो देखा प्लस क्यू अर्थात हूँ आप पॉजिटिव चार्ज बोली आपरि। तो ये गोटे चार्ज मुझे नी टेस्टिंग चार्ज जोटा हूँ क्यू जीरो, यहाँ को क्यू जीरो कहुए कहुए स्मॉलेस्ट चार्ज बोली कहुए। कौन कहुए स्मॉलेस्ट चार्ज बोली कहुए, एको कहुए स्मॉलेस्ट चार्ज बोली कहुए बुझेगा क्यू जीरो क्यू नॉट बोली भी कहते। सब बेले मन रखिए ये जो क्यू नॉट बाय जो स्मॉलेस्ट चार्ज ये सब बेले आपणकर पॉजिटिव रहइबो। ये हूँ आप सब बेले कौ चार्ज हिसाब से रहइबो पॉजिटिव, एटा को आपण चेंज करि परिबे, एटा को पॉजिटिव करि परिबे बा नेगेटिव भी करि परिबे। किंतु जो टेस्टिंग चार्ज रही बा जो क्यू नॉट चार्ज टा रही सब बेले आपणकर कोन रहइबो पॉजिटिव चार्ज रहइबो। तो वर्तमान पे एई जगह रे प्लस क्यू चार्ज रही, तो यार किसी एरिया मध्य रही जेते बेले जो क्यू जीरो चार्ज टी बा क्यू नॉट चार्ज टी पाखो आसीबो ये कोन करइबो या पर गोटे फोर्स अप्लाई करइबो कोई तू मो एरिया भितर पशिपरबो ना। तो या पर गोटे फोर्स अप्लाई करइबो जोटा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोली कह जाए। तो ये फोर्स अप्लाई करने द्वारा ये कौन कर ए फोर्स टा बाहर को अप्लाई हो ना भीतर को अप्लाई हो ये पिला कन्फ्यूजन रुहती यहाँ बाहर को अप्लाई हो ना भीतर को अप्लाई हो। तो आम जानते दुईट पॉजिटिव चार्ज परस्पर को कौन करती अट्रैक्ट ना रिपेल, परस्पर को अट्रैक्ट करती ना रिपेल करती, परस्पर को कौन करेंगे रिपेल करेंगे बुझेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज परस्पर को रिपेल करेंगे। किंतु पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दुईट जाक चार्ज कौन करेंगे परस्पर को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स टी अप्लाई है ए फोर्स ना हूँ आपंकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एरिया भितर से पकेला बा यही जो टेस्टिंग चार्ज बा क्यू नट चार्ज पर पकेला जो फोर्स टी, तो यही जो फील्ड टी क्रिएट है ये सर्किल अनुसार, तो यही फील्ड टा आम कौन कह इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कह आम कौन कह इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कह। जदि ये सेकेंड कंडीशन आसीज जदि ये प्लस क्यू चार्ज टू आम लुचे दब बा स्किप करद लुचे देले भी आपंकर चार्ज टी कौन कर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पकेब बुझेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी पकेब। तो प्लस क्यू चार्ज पाखरे जो फील्ड टा बनई थाए बुझी ना, तो यह मान हूँ यही चार्ज आखपाखर जदि कौन चार्ज आसला तो तापर से फोर्स पकेब। तो से आम गोटे टेस्टिंग चार्ज नहीं जोटा हूँ क्यू नट बाकी क्यू जीरो बोली कहुए यू टेस्ट चार्ज बोली कहुए। मन कर टेस्टिंग चार्ज टी जगह रहा तो ये निश्चित फोर्स अप्लाई कर जो फोर्स टी अप्लाई करेंगे कौन कह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोली कह। तो दीटा पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स टी कड़ी अप्लाई हम बाहर को अप्लाई हम कहीं जेहेतु दीटा जाक पॉजिटिव चार्ज ये सब बेले पॉजिटिव रही जेहेतु ये पॉजिटिव अच्छी तो दीटा जाक पॉजिटिव चार्ज कौन कर बाहर को फोर्स अप्लाई कर बुझेगा कि नहीं बाहर को अर्थात रिपेल कर रिपेल कर दीटा पॉजिटिव और नेगेटिव गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव है कौन कर अट्रैक्ट कर सेम केस रे अट्रैक्ट केस टी करेंगे केमती। तो मन कर मुझे नहींगली माइनस क्यू चार्ज कौन नहींगली माइनस क्यू चार्ज तो ये मुझे नेली टेस्टिंग चार्ज जो हूँ क्यू नॉट। तो ये कौन कर फोर्स टी जो अप्लाई करागला ये जो फोर्स टी अप्लाई करागला ये कौन कर अट्रैक्ट कर भितर को टाणी कड़ी टाणी भितर को टाणी अट्रैक्ट कर अर्थात एटी जो फोर्स टा पड़ा ये भितर पड़ा कहीं नेगेटिव चार्ज एटा हूँ पॉजिटिव चार्ज दुईट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज परस्पर को कौन करेंगे अट्रैक्ट ही करेंगे आम ये आगे पढ़ चुन। तो ये जो फील्ड टा क्रिएट है यहाँ को आम कौन कह इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कह।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସଟି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଡିକାଲି ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ରେଡିକାଲି ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକି ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ହେବ? କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ରହିବେ ତ ସେଟା ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଇନୱାର୍ଡ଼ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଇନୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଠି ତ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ସେଟା ଇନୱାର୍ଡ଼ ହେବ, କ୍ଲିୟର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ଜିରୋଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କ୍ୟୁ ନଟ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ, ତ ଏଇଠି ତ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ନେଲେ, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୟୁ ଜିରୋ ନେଲେ ବା କ୍ୟୁ ନଟ୍ ବୋଲି ନେଲେ, ଇଏ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରୁ ନାହିଁ? ଇଏ କେବେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ୟା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଛି? ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ, ଏଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇଥାଏ ବା ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଏ କେବେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଇନ୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କେସ୍ରେ ରେଡିକାଲି ଆଉଟୱାର୍ଡ ହେବ, ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଇନୱାର୍ଡ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ଜିରୋ ଏଟା କେବେ ବି ତାର କୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ନଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବେ ବି ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ଲିମିଟ୍ କ୍ୟୁ ଜିରୋ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିରୋ ନହେଲେ ବି ଜିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟରେ କାମ କରିଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ? ଭେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ। ଯୋଉ ପ୍ଲସ କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜଟି ଯୋଉ ଏରିଆ ତିଆରି କଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ, ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥାଏ, ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ଜିରୋ ଚାର୍ଜଟି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ବା ଜିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡଟା ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ରହିଲା ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ସହିତ କାହା ସହିତ ରହିବ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରହିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ବଢ଼ିଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? କମିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କମିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମି କମିକା ଯିବ, ସେତେ ସେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ବଢି ବଢିକା ଯିବ। ତ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଆପଣ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜଟିକୁ ନେଇଯିବେ, ମନେକର ଏଇଠି ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ, ଯଦି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବି କ୍ୟୁ ନଟ୍ଟାକୁ, ତ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ? କମିଯିବ। ଏଠି ସେଭଳେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ସେଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆମର ସମରାଇଜ୍ ଥିଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କାହାକୁ କହିବା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ହିଁ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ନୋଟ୍ରେ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍, ୟା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜଟା ଆମେ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି? କ୍ୟୁ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍। ଯଦି ଆର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ରଖିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜକୁ, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ ପଚାରିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ ପଚାରିଛି, ତ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ, ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଦେଲି ପି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ନା କ'ଣ ଦେଇଦେଲି? ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ପି ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କେତେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହଉଛି କରାଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବାହାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ? ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁ ନଟ୍ ଚାର୍ଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ୟୁ ଜିରୋ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାମ କରେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦେଇଥିଲା କେତେ, ଆର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କହିଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଫୋର୍ସ ଅନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଫୋର୍ସ ଅନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କୋଉଟା? ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ଜିରୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ଅନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ଟେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡରେ
कौन बाहर करेंगे इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहर करेंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फिल्ड आप बाहर करेंगे कमी बाहर करेंगे देखो तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ये जो क्यू जीरो रही जो क्यू नॉट रही या पर फोर्स कहते हैं ऑलरेडी आम कलम स्लो रे ही पढ़ी के आसी कलम स्लो रे कौन पढ़ी के आसी गोटे चार्ज एटा गोटे चार्ज क्यू आउ गोटे क्यू जीरो एटा गोटे चार्ज ए दुईट चार्ज भितर आम कलम स्लो कौन कौन कलम स्लो एया कौन जेहेतु आम पॉइंट पी उपर बाहर कर कलम स्लो एया कह कलम स्लो कह तो के क्यू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय कौन हम आर स्क्वायर एटा हूँ डिस्टेंस रो चार्ज दुईट चार्ज भितर डिस्टेंस हूँ आर दुटा चार्ज गोटे हूँ प्लस क्यू आउ गोटे हूँ तो सब पॉजिटिव प्लस क्यू जीरो रहा फोर्स क्रिएट हम के इंटू क्यू क्यू जीरो बै आर स्क्वायर फॉर्मूला कौन कौन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज लिखीद के इंटू क्यू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय कौन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कौटा क्यू जीरो रहा क्यू जीरो तो क्यू जीरो कौन हम कैंसल तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कौन आर स्क्वायर एटा आंसर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला है या तो ई पी इज इक्वल टू कौन हम के क्यू बाय आर स्क्वायर एटा आपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुझेगा तो एठी भी मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा पी पॉइंट उपरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सहित हम आर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम आर स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम जदि आर वैल्यू में टू नहीं जाए बेल बेल भी एग्जाम आसे क्वेश्चन जदि आर वैल्यू टू नहीं जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम आर स्क्वायर जे आर जगह टू पक दिखा तो कहते हैं फोर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर टाइम्स डिक्रीज हम जेहतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल गोटे फैक्टर बढ़िले आउ गोटे फैक्टर कौन हम डिक्रीज हम तो ये फोर टाइम्स डिक्रीज हो आर वैल्यू थ्री नि जाए तो थ्री स्क्वायर कैसे हम नाइन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन टाइम्स कौन हो डिक्रीज हम बुझेगा तो ये आम हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आम कमी बाहर करवाई गोटे फर्मुला जानले कौन चलने जेकोसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करम गोटे टेस्टिंग चार्ज नाक पड़ो जो आर फर्मुला हूँ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज फोर्स एप्लाय करतेप्लाय हूँ डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज यहीटा जी फर्मुला मन रखुन जेकोसी आम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करुँचा लास्ट को आम यह पाइले जेकोसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सहित हम आर स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम एवं यार ग्राफ टा भी बेले बेले परीक्षा पकाए तो ग्राफ जदि देखा यहाँ हूँ आपंकर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हूँ आपंकर आर ग्राफ को भाला रही है ये रही बुझेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रही मैक्सिमम रेडियस टा को केते पर्यंत नहीं पारे मैक्सिमम रेडियस टा को आपण इनफिनिटी पर्यंत नहीं पारे जितने इनफिनिटी हो पार इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हो पारे टेन्स टू अप टू जीरो पर्यंत जेहेतु डिस्टेंस बढ़िले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड टा धीरे धीरे कमी कमिका जीव बुझेगा तो फाइनाल फर्मुला यह आसला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाल टू फोर्स बेले बेले गोटे गोटे बहरे भी ये लिखा देती फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज डिवाइडेड बाय कौन हम क्यू जीरो जोटा कि टेस्ट चार्ज बोली कहते बुझेगा तो यहाँ है प्लस क्यू जोटा हूँ पॉइंट चार्ज यहाँ हूँ आपंकर पॉइंट पी नहीं आम एटी नहीं आम टेस्टिंग चार्ज जो फोर्स टा एप्लाय कर जेहतु एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़वाटा बाहर को पड़ो तो बाहर को केते पड़ो आम काढ़ आसे के क्यू बै आर स्क्वायर बाहर करके आसे आम फर्मूला अनुसार फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज बुझेगा जेकोसी पॉइंट चार्ज पर कम कर तो ये फोर्स टा एप्लाय है के क्यू बै आर स्क्वायर एटा केवल यार गोटे कंडीशन अच्छे कौ चार्ज पॉइंट चार्ज कौ चार्ज पॉइंट चार्ज कम कर बुझेगा तो जोटा पॉइंट चार्ज कहले कौन बुझे जो छोट छोट चार्ज स्मॉल चार्ज कथ कह से कम कर तो बर्तमान पर देखा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आम कमी बाहर करवा बाहर करवा बहुत इज कहीं आम जानते फर्मूला कौन जानले इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाल टू फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्टिंग चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्टिंग चार्ज नुह तो या फोर्स रि आम देखा यूनिट कौन हम फोर्स यूनिट हूँ न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज यूनिट कौन कोलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड रही से यूनिट आसव न्यूटन पर कोलम आसो कौन आसो न्यूटन पर कोलम तो गोटे बहरे भी ये लिखा जाता है जो फर्मूलाटा मुझे कहली इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा कि आप लिमिट क्यू टेस्टिंग चार्ज टेन्स टू आप जीरो
যেটা হচ্ছে ফোর্স অন টেস্টিং চার্জ ডিভাইডেড বাই কোন কিউ জিরো যেটা হচ্ছে আপনার টেস্টিং চার্জ বা যেটা টেস্ট চার্জ এটা মনে রাখিবে সবুলে ফোর্স অন টেস্ট চার্জ ডিভাইডেড বাই টেস্ট চার্জ যেটা কি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি কত পাইলে কে কিউ বাই আর স্কয়ার বলে পাইলে ইয়ার উপরে বি প্রবলেম এক্সাম রে আসে যদি আর টা জিরো করে দেবা বর্তমান পে গোটে পিলা কইব স্যার আপন আর টা কো জিরো করে দেবা যদি তো জিরো করে দিলে কোন আর টা যদি জিরো করে দেবে তো ডিনোমিনেটর টা কোন হইছো জিরো হইছো ফ্র্যাকশন পে এটা গোটে ভ্যালিড হবো নাই হেলা তো যেটা কি আমি ডিফাইন করে পারিবা নাই বুঝিলা ইলেকট্রিক ফিল্ড টা ডিউ টু এ চার্জ এট ইটস ওন লোকেশন অনডিফাইন্ড অর্থাৎ ইয়া মানে এটি ডিস্টেন্স রা জিরো করে দেওয়া মানে কোন বুঝি হইছে কি নাই তো এইটা হলা প্লাস কিউ চার্জ সে কইছি আপন কিউ জিরো চার্জ টা কো পুরা তা উপরে চড়াই দিউন্ত মানে ডিস্টেন্স রা পুরা জিরো করে দিউন্ত যেটা কি এটা ডিফাইন করি হবা নাই অনডিফাইন্ড হই পারিব বুঝিলা তো ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু এ চার্জ এট ইটস ওন লোকেশন অনডিফাইন্ড তো নিজ লোকেশন উপরে আমি ডিফাইন করি পারিবা নাহি বা বাহার করি পারিবা নাহি ক্লিয়ার তো এই যে ফর্মুলাটা আমি দেখিলে তো বর্তমান পাই কে কিউ বাই আর স্কয়ার এই যে ফর্মুলাটা আমি দেখিলে তো এটি হচ্ছে কেটা হচ্ছে কোন কেটা আপনার জানিছেন তো কেটা হচ্ছে কোন কনস্ট্যান্ট কেটা হচ্ছে কোন কনস্ট্যান্ট বলে কইবে এবং এটা মিডিয়াম উপরে ডিপেন্ড করে কে এর ভ্যালু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন 0 হই পারে নই কি তো কে এর ভ্যালু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন বি হই পারে যেটা কি এপসাইলন 0 টা কা উপরে হই পারিবে এআর উপরে এবং অদর মিডিয়াম পাই কোন হই পারিব কে ইকুয়াল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন এম হই পারিব এটা অদর মিডিয়াম পাই হেলা তো বর্তমান পাই দেখিবা ইলেকট্রিক ফিল্ড রা ভেক্টর ফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড রা ভেক্টর ফর্ম টুকু আমি দেখিবা ভেক্টর ফর্ম আমি কেমতে বাহার করিবা ইলেকট্রিক ফিল্ড রা তো কিছু নাই ইলেকট্রিক ফিল্ড রা ভেক্টর ফর্ম কাড়িবা বহুত ইজি যেটা কি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি জানিলে কে কিউ বাই আর স্কয়ার বলে জানলে এবং আমি জানি আর ক্যাপ ইজ ইকাল টু আর ভেক্টর ডিভাইডেড বাই আর মড এটা জানি কি না এটা জানি তো আমি এটা লেখি পারিবা তো বর্তমান পাই ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল তো কে কিউ বাই আর স্কোয়ার ইনটু আর ক্যাপ বলে লেখি হবে কি না আর ক্যাপ বলে লেখি দেবা তো বর্তমান পাই কে কিউ বাই আর স্কোয়ার এটা মড দিয়ে দেবা ইনটু ইয়া পাই লেখি দেবা আর ভেক্টর ডিভাইডেড বাই আর এটা ইয়া সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিও করে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত আসবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু কে কিউ আর স্কোয়ার আর গুণের আর কিউ র মড ইনটু কত হইছো আর ভেক্টর এটা হচ্ছে আপনার এটা পজিটিভ কেস রই পারিবে এটা কোন কেস রই পারিবো পজিটিভ কেস রে মানে এটি যেতবে কিউটা যেতবে পজিটিভ থিব যেটা কি ফোর্সটা আউটওয়ার্ড পড়ব দুইটা পজিটিভ চার্জ হলে ফোর্সটা রিপেল করিব তো দুইটা নেগেটিভ চার্জ হলে ফোর্স বি রিপেল করিব কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ হলে কোন করিব অ্যাট্রাক্ট করিব যেটা কি ফোর্সটা ইনওয়ার্ড হবে এটা ফর পজিটিভ চার্জ পাই আমি বাহার করলে এটা কোন পাই বাহার করলে ফর পজিটিভ তো নেগেটিভ চার্জ পাই যেতবে বাহার করিবা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু কে ইনটু মাইনাস কিউ ডিভাইডেড বাই আর কিউ এটা কেবল খালি সাইন এটি চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা নেগেটিভ চার্জ পাই এটা হচ্ছে আপনার কোন পজিটিভ চার্জ পাই উপরটা পজিটিভ চার্জ পাই তলটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ পাই তারপরে আমার লাস্ট কনসেপ্ট আজ দেখিবা আজর ক্লাস রে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু সিস্টেম অফ চার্জেস ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু সিস্টেম অফ চার্জেস বা তা কোচন্তে প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশন প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশন এটা ইম্পর্টেন্ট রইব ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু সিস্টেম অফ চার্জেস মানে সিস্টেম অফ চার্জেস কইলে আমি কোন বুঝন্তি সিস্টেম অফ চার্জেস কইলে আমি এইয়া বুঝন্তি যে গুটিয়ে চার্জ রু অধিক এক রু অধিক চার্জ থিলে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড কেমতি বাহার করিবা এটা বহুত ইজি তো দেখো মুডি বাহার করিবি তো তিনটা চার্জ নেবি গোটা হচ্ছে প্লস কিউ ওয়ান চার্জেস নেইছি তো মাইনস কিউ টু চার্জেস গোটে নেইছি আর আপনার গোটে প্লস কিউ থ্রি চার্জেস নেইছি তিনটা চার্জ নেইছি গোটে প্লস কিউ ওয়ান মাইনস কিউ টু প্লস কিউ থ্রি তো বর্তমান পাই মতে কোয়া গলা এই এই যে পয়েন্ট আপন দেখুছেন এই পয়েন্ট উপরে পয়েন্টটা ওম দেই দিলে এই পয়েন্ট উপরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কেতে ক্রিয়েট হউছি আপন বাহার করুন মু কেমতে বাহার করিবি দেখো তো বর্তমান পাই এই যে জায়গা রে এই পয়েন্টটা হলো ও পয়েন্ট হলা ঠিক আছে বর্তমান পাই নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা মতে বাহার করিবার আছে তো এথি পাই মতে কোন নাবাকো পড়িও ওটা টেস্টিং চার্জ নাবাকো পড়িও মু কইছি আগর যে টেস্টিং চার্জ হচ্ছে কিউ নট ইয়ে সব বলে পজিটিভ তো বর্তমান পাই ইয়ে পজিটিভ দুইটা তাক পজিটিভ 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 কেস রে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবো সেটা কুয়াড়ি পড়িব আউটওয়ার্ড পড়িব কুয়াড়ি পড়িব আউটওয়ার্ড পড়িব আউটওয়ার্ড পড়িব মানে ফোর্স টি যে এটি পড়িব ই ওয়ান টি পড়িব ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স সেটা বাহার কো পড়িলা বুঝিলা তো বর্তমান পাই এই সেকেন্ড চার্জ কাস ইয়ে নেগেটিভ ইয়ে পজিটিভ কোন হবো আট্রাক্ট হব নেগেটিভ পজিটিভ হব মানে আট্রাক্ট হব তো ফোর্স কুয়াড়ি পড়িব ভিতর পড়িব ভিতর পড়িব মানে কোন আসিব ই টু আসিব ই যে ই টু ফোর্স টা ভিতরকু পড়িলা বুঝিলা তো বর্তমান পাই এটি কাস ইয়ে পজিটিভ দুইটা তাক পজিটিভ ফোর্স কুয়াড়ি পড়িব বাহার পড়িব যেটা হচ্ছে ই থ্রি তো এটি তিনটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ক্রিয়েট হব গোটা হচ্ছে ই ওয়ান গোটে ই টু গোটে ই থ্রি
तो दीटा जाक बाहर को पड़े गोटे कड़ पड़ भितर को पड़ो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड मुझे बाहर करी बाई पॉइंट इ जीरो पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहर करी तीन टा जाक मिसाइ देवी इ वन प्लस इ टू प्लस कौन करी इ थ्री दिटा तीन टा जाक सम करी तो इ वन को सम करने भेक्टर फर्म कौन हम के क्यू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एटा हम कि नहीं प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाय कौन हम आर स्क्वायर हम प्लस के क्यू थ्री डिवाइडेड बाय कौन हम आर स्क्वायर ही हम ये तीन टा जाक ही आपंकर नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जो बाहर गला युटे पॉइंट चार्ज बुझे तो ये थिला आज कनसेप्ट नोट आप चेक करेंगे नोट रे कौन कौन अच्छी आम चेक करद तो प्रथम ये अच्छे देखते इलेक्ट्रिक फिल्ड आम क्या कह इलेक्ट्रिक फिल्ड आम क्या कह देख इलेक्ट्रिक फिल्ड अच्छी इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस टिके जूमटा कमेद देख क्लियर देख इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ए रीजन स्पेस अराउंड ए चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन व्हिच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फिल्ड आम कह जो रिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लाय करा जाए एवं सिस्टम ऑफ चार्जेस कही एक रु अधिक चार्ज उपर भी आपड़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लाय करके कौन करेंगे इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट करेंगे थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्सटेंड्स अप टू इनफिनिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड आप जिते डिस्टेंस पर्यटन पकात इनफिनिटी पर्यटन जीव बट प्राक्टिकाली इट इज लिमिटेड टू ए सर्टन डिस्टेंस कि आम जब प्राक्टिकाली देखा एटा एत दूर बाटे इलेक्ट्रिक फिल्ड पड़ो ना कहीं इलेक्ट्रिक फिल्ड डिस्टेंस बढ़िले कौन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमी कमी का जीव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एत स्ट्रंग हम ना कि प्राक्टिकाली कम डिस्टेंस पकाए बुझेगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फिल्ड आम कमी बाहर करवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी कमी बाहर करवा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ कमी बाहर करवा इलेक्ट्रिक फिल्ड गोटे पॉइंट कमी बाहर करता से कही बुझेगा देख ये सेम जिन नहीं तो ये गोटे प्लस क्यू चार्ज नहीं प्लस क्यू जीरो चार्ज ये क्यू जीरो चार्ज टाइम कौन क्यू नॉट बोली कहा जाए जोटा कि स्मॉलेस्ट चार्जेस टेस्टिंग चार्ज जेहेतु ये पॉजिटिव ये आपंकर पॉजिटिव दीटा जाक पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स कड़ी पड़ो बाहर को पड़ो ठीक अच्छे तो ये बर्तन यार उल्टाटा नहीं गोटे पॉजिटिव चार्ज निया तो ये बर्तन आपको गोटे नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये आपंकर पॉजिटिव चार्ज जेहेतु ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो ये कौन करेंगे अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट ये रिपेल कर गला ये कौन करेंगे अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्ट कर मैंने फोर्स भितर को पड़ो बुझेगा तो ये क्यू लिखाई आप सोर्स चार्ज क्यू जीरो हूँ आपंकर टेस्ट चार्ज एफ हूँ आपंकर फोर्स ई हूँ आपंकर इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम फर्मूला फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज एभली भी आपड़ लिखिपारे एभली भी मुझे जो आपको कहली फोर्स इन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज यहाँ भी पकईपरि जोटा कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कौन देखते के क्यू वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू जीरो कटिजी आपंकर आसीज के क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ फाइनाल फर्मूला आसाला कि नहीं तो ये केयर भैल्यू ही डायरेक्ट लिखाई वन बै फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर जोटा कि आर कैप यहाँ की आपड़ जोटा कि वेक्टर फॉर्म रे ही लिखा जाए बुझेगा तो नेक्स्ट देखा द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी मैनिक्सली स्मॉल बिकॉज इट प्रेजेंट शुड नॉट अल्टर द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज दूज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंटेंडेड टू बी मेजर तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने टेस्टिंग करने टेस्ट चार्ज यूज करा जाए बुझेगा तो सिंस क्यू जीरो इज टेकन पॉजिटिव सबुबले क्यू जीरो आपंकर कौ चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज हम बुझेगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुआड़ी पड़ो इलेक्ट्रिक फिल्ड डायरेक्शन सियाड़ी हम दुईट पॉजिटिव चार्ज भितर इलेक्ट्रिक फिल्ड कुआड़ी हम आउट आड़ ही हम कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर को पड़ो दीटा सामान चार्ज हेल्ले रिपेल कर गोटे पॉजिटिव आ गए नेगेटिव चार्ज हेल्ले इलेक्ट्रिक फिल्ड कौन हम भितरक हम कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही भितर पड़ो कहीं गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हेल्ले कौन कर अट्रैक्ट कर देख इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्ड बढ़िया कथे कहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उपर तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्ड जो मुझे माइनस क्यू नौ तो ये प्लस क्यू जीरो तो ये कौन आसो भितर को आसो अपोजिट हम कि ना अपोजिट ही आसो इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर यूनिकली डिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट इन द फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड हूँ आपंकर गोटे वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड आपड़ जेकोसी पॉइंट बाहर करेंगे से आपको दरकार गोटे टेस्टिंग चार्ज जोटा कि आपंकर क्यू नॉट बोली कहा जाए और फॉर्मूला देखिले फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज डिवाइडेड बाय
टेस्टिंग चार्ज बुझीला। तो नेक्स्ट देखिबा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, एटा भी हम जानि छथि सेही फार्मूला। तो क्यू एफ डिवाइडेड बाय कोन क्यू जीरो, तो फोर्स रे यूनिट होची आपनकर न्यूटन, एटा होची आपनकर कूलम। तो सेते इलेक्ट्रिक फील्ड रे यूनिट कोन हैला न्यूटन पर कूलम बा न्यूटन इनटू कूलम टू द पावर -1, एथरे डाउट नै बुझीला। देखो तापर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए भी सेही कथा कहिसि। पॉइंट चार्ज हेले आमे जोटा कि देखिथिले तीनटा चार्ज नै कि गोटा होची प्लस क्यू गोटे माइनस क्यू गोटे प्लस क्यू थ्री, एटा होची क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तीनटा जाक चार्ज बाहर करूथिले, तीनटा जाक मु जेला लास्ट रे बुझेले आपनकु सम करूथिले बुझिला। ए भी सेम सिचुएशन सेम कथा ही लेखा छै, एटा ग्राफटा देछि। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकली सिमेट्री, तो क्यू रो वैल्यूटा ग्रेटर देन जीरो हो देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, जतबे आउटवर्ड हो तो क्यू टा लेस देन जीरो हो द फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। तो इनवर्ड हेले एठी पॉजिटिव आउ नेगेटिव रहिबे, आउटवर्ड हेले दीटा तक पॉजिटिव हेई परंती मे भी दीटा तक नेगेटिव हेई परंती। एवं जतबेले आमे जे कोनोसी गुटे फील्ड ऊपर बाहर करचोंती तो सेरे कोन करिया दरकार, तीनटा तक को प्लस करिबा दरकार बुझियला। देखो एठी सेम सुपर पोजिशन जोटा आमे पढ़ी के आसिले एफ वन इज इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री प्लस एफ वन फोर एवं एफ वन फाइव, एटी निया जाइछि पांचटा चार्ज, गोटे हूँ क्यू वन गोटे हूँ क्यू टू गोटे हूँ क्यू थ्री गोटे हूँ क्यू फोर गोटे हूँ क्यू फाइव है। तो ये क्यू वन पॉजिटिव अच्छी मानते पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर को जी, क्यू टू एटी पॉजिटिव अच्छी मानते पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर को जी, क्यू थ्री पॉजिटिव अच्छी मानते क्यू थ्री कौन अच्छी देख क्यू थ्री नेगेटिव अच्छी मानते कौन हम भितर को आसो, क्यू फोर पॉजिटिव अच्छी मानते बाहर को जी, क्यू फाइव नेगेटिव अच्छी मानते भितर को आसो। तो सब गुड़ा कौन कर पड़ो प्लस करदे आम इलेक्ट्रिक फिल्ड पाई बुझेगा। तो ये आज क्लास, तो निश्चित भाव में क्लास टी कम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करवा बहुत सारा पॉइंट एवं बहुत सारा टॉपिक। थैंक यू।